अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही झटपट बहुत सिंपल से रिफ्रेशिंग सोडा ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और रिफ्रेशिंग मिंट मारग्रेटा की रेसिपी ब्लेंडर जग में मैंने ऐड कर दिया है आधा कप पुदीने की पत्तियाँ साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चार खाने के चम्मच लेमन जूस एक टेबल स्पून लेमन स्क्वाश इसकी जगह पर आप नींबू पानी या फिर लेमन टैंग लेमन का एक या दो चाय का चम्मच पाउडर ऐड कर दीजिए साथ ही इसमें मैंने पिंच काला नमक डाला है और तीन से चार खाने के चम्मच चीनी ऐड करने के बाद हंसब ज़रूरत आप इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिए और आधा कप पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लें मिंट मारग्रेटा सर्व करने के लिए मैंने ग्लास को आधा तैयार सिरप के साथ फिल कर दिया है और इसमें मैंने चंद पुदीने की पत्तियाँ और लेमन स्लाइसिज़ ऐड कर दिए हैं ऊपर से व्हाइट फ्रिजी ड्रिंक ऐड कीजिए और मज़ेदार से रिफ्रेशिंग मिट्ट मग्रीटा को इन्जॉय करें अब मैं बना रही हूँ पीच सोडा या पीच ड्रिंक आजकल पीचिस सीजन में है तो ज़रूर ट्राई करें बनाने में बहुत आसान है मैंने पीचेज ले लिए थे उनका छिलका हटाने के बाद और सीड्स रिमूव करने के बाद छोटे पीसेज में कट कर लिया है एक कप भर कर पीचेज ले लें साथ ही इसके अंदर ऐड कर दें फोर टू सिक्स टेबल स्पून तक शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं वन टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है एक कप पानी और एक कप आइस क्यूब्स ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया पीच सोडा सर्व करने के लिए ग्लास को मैंने हाफ वे तक पीच ड्रिंक के साथ फ़िल किया है और रिमेनिंग हाफ को मैंने वाइट सॉफ्ट ड्रिंक के साथ फ़िल कर लिया है मज़ेदार सा पीच सोडा बिल्कुल रेडी है आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दीजिए और इसको थोड़ा पतला करने के बाद इसे विदाउट सोडा भी इंजॉय कर सकते हैं नेक्स्ट अब मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा लीची कूलर ड्रिंक सबसे पहले मैंने एक खाने का चम्मच बेजल सीड्स या तुख्मे तो मलंगा को पानी में सोख करके रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए बिल्कुल ऑप्शनल है अब मैं एक ब्लेंडर जग में ले रही हूँ एक कप लीची छिलके और सीड्स को रिमूव करने के बाद एक कप लीची एक खाने का चम्मच लेमन जूस छः से आठ खाने के चम्मच चीनी ऐड की है आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आधा ग्लास ठंडा पानी शामिल कर दें और चंद कतरे पिंक फूड कलर के ऐड करने के बाद मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया लीची सोडा बनाने के लिए मैंने ग्लास में सबसे सब पहले आइस क्यूब्स ऐड किए और हाफ ग्लास को लीची सिरप के साथ फ़िल कर दिया है रिमेनिंग हाफ ग्लास में व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड किए हैं और ऊपर से गार्निशिंग के लिए चंद पुदीने के पत्ते और लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं लीची शरबत विदाउट सोडा बनाने के लिए मैंने ग्लास में आइस क्यूब्स डाली हैं लीची सिरप डाला है एक टेबल स्पून सोख किया हुआ तुख तो में वलंगा ऐड किया है और बाकी ग्लास को मैंने ठंडे पानी से फिल कर दिया नेक्स्ट स्टेप मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और थोड़ी सी डिफरेंट सी स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल ड्रिंक आप इसे किसी भी फ्लेवर की पॉप्सिकल के साथ ट्राई कर सकते हैं इसके लिए मैंने ली है स्ट्रॉबेरी लॉली या स्ट्रॉबेरी आइस पॉप्सिकल इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है आप बाज़ार से परचेज़ की हुई लॉली भी यूज़ कर सकते हैं ग्लास में सबसे पहले मैंने डाली है आइस क्यूब्स इसके बाद आप इसमें दो से तीन लेमन स्लाइसेस ऐड कर दीजिए चंद पत्ते पुदीने के और एक स्ट्रॉबेरी आइस लॉली या आइस पॉप्सिकल्स इसके अंदर ऐड करने के बाद ग्लास को वाइट सॉफ्ट ड्रिंक से फिल कर दीजिए स्ट्रॉबेरी लॉली को आप अप, अप एंड डाउन मूव कीजिए बहुत इजीली आइस लॉली स्टिक से सेपरेट हो जाएगी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और गर्मियों में मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक को एंजॉय कीजिए अब मैं आपके साथ कोरियन लेमन जार के साथ मिंट मार्गरिटा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक्चुअली कोरियन लेमन जार ऑलरेडी मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है मैंने जार में से कुछ लेमन स्लाइसेस लिए हैं फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं और उन्हें मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है ताकि लेमन और मिंट अपने जूसेस रिलीज़ कर दें इसके बाद आप क्रश किए हुए लेमन और मिंट लीव्स को ग्लास में डालें इसके ऊपर से थोड़ा सा आप शुगर सिरप डाल दीजिए जो कि आपके लेमन जार के अंदर मौजूद है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत सारी आइस क्यूब्स डालने के बाद ऊपर से वाइट सॉफ्ट ड्रिंक डालें और मज़ेदार से बहुत ही रिफ़्रेशिंग लेमन सोडा को इन्जॉय कीजिए जो कि कोरियन स्टाइल में तैयार किया गया है और सबसे लास्ट में अब मैं शेयर कर रही हूँ जामुन सोडा ड्रिंक इसका कलर ही बहुत अट्रैक्टिव होता है मैंने जामुन ले लिए थे और उनके सीड्स अलग कर दिए हैं आप छुरी की मदद से इसका फ्लैश ऊपर से निकाल लीजिए तकरीबन एक कप जामन है अब एक ब्लेंडर जग में मैंने जामुन के पीसेज ऐड कर दिए हैं जो कि तकरीबन एक कप है साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दो चाय के चम्मच लेमन जूस एक से दो टेबल स्पून तक चीनी शामिल कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं वन फोर्थ टी स्पून काला नमक एक गिलास ठंडा पानी एक कप आइस क्यूब्स तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए अब इसे सर्व करने के लिए ग्लास में मैंने आधा जामन का शरबत भर दिया है आप अगर इसे सोडा के बगैर पीना चाहते हैं तो ग्लास रिमेनिंग ग्लास को आप ठंडे पानी के साथ फ़िल कर लीजिए अदरवाइज़ आप रिमेनिंग ग्लास को वाइट सॉफ्ट ड्रिंक के साथ फ़िल करें और रिफ़्रेशिंग जामन ड्रिंक को इन्जॉय करें